दोस्तों Xiaomi ने अपना एक नया स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 8 Pro लॉन्च कर दिया है और अभी ये स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ है दोस्तों। इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिल रहे हैं इस फोन पे, स्पेशली यहाँ पे जो बैक कैमरा है ना वो आपको काफ़ी कमाल का मिल रहा है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको बैक साइड में मिल रहा है और 4 कैमरा सेटअप के साथ में आता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है इस स्मार्टफोन का। और आप अगर प्राइसिंग सुनोगे तो आप यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाओगे दोस्तों। तो आज मैं बात करूँगा इस Redmi Note 8 प्रो के बारे में, बताऊंगा क्या खास फीचर इस फोन की, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसकी प्राइसिंग और यहाँ पे दोस्तों कब तक ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। मेरा नाम है योगेश, आप देख रहे हो गैजेट्स टेक्नोलॉजी चैनल को। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बाद में जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबाना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले साइज आपको काफ़ी बड़ा मिल रहा है, 6.53 इंचेस का बड़ा साइज़ है, नॉच डिज़ाइन के साथ में आता है और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है दोनों साइड, फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है दोस्तों। उसके अलावा बात करें अगर नॉच की तो आपको बीच में यहाँ पे नॉच मिल रही है, साथ ही यहाँ पे IPS LCD फुल HD प्लस रेशियो के साथ में आता है। हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दोस्तों। और अगर हम बात करें एस्पेक्ट रेशियो की तो 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो पर ये बेस्ड है। साथ ही अगर प्रोसेसर देखें तो यहाँ पर कंपनी ने मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग भी मिलती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे GPU भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे मतलब जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी क्विक आपकी होने वाली है। तो आप PUBG वगैरह भी खेलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे 4 कैमरा सेटअप इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, 64 मेगापिक्सल इसका मेन सेंसर है और यहाँ पे सबसे पहला स्मार्टफोन है दुनिया का जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। हालांकि यहाँ पे Realme XT में भी आपको ये कैमरा मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी मार्केट में Realme XT लॉन्च नहीं हुआ है, ये पहला फ़ोन है जो लॉन्च हो गया दोस्तों। बाकी यहाँ पे सेकेंडरी जो सेंसर है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ में। उसके बाद में जो दो और सेंसर मिल रहे हैं ना वो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के साथ में आते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, वाइड एंगल लेंस, मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर ये हैं। और एपर्चर की बात करें तो f1.8 हो गया। उसके बाद में जो दो पीछे के आ रहे हैं दोस्तों उसमें आपको f2.4 मिलता है और 8 मेगापिक्सल वाले में आपको f2.2 का एपर्चर मिलता है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो बैक कैमरे के हैं ना वो काफ़ी अच्छे आपको मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पे सेल्फी की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है और इसका एपिचर है f2.0। तो ओवरऑल बैक और फ्रंट के दोनों ही कैमरे आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और प्राइसिंग काफ़ी कमाल की है। 1399 चाइनीज़ युआन में कंपनी ने इसको अभी लॉन्च किया है जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है दोस्तों। और यहाँ पे 3 वेरिएंट इसके सामने आते हैं। यहाँ पे जो पहला वेरिएंट आता है 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो दूसरा वेरिएंट आता है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज और जो हाई एंड वेरिएंट इसमें मिलता है 8GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। साथ ही यहाँ पे हाइब्रिड कार्ड स्लॉट आपको मिल रहा है तो इसकी मदद से आप इंटरनल स्टोरेज को भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक और कमाल का फीचर मिल रहा है, वो है इसकी बैटरी। यहाँ पे आपको बैटरी काफी पावरफुल मिल रही है, 4500 mAh की बैटरी मिल रही है जो कि 18W के क्विक चार्जर के साथ में आती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द बॉक्स आपको ये चार्जर मिलने वाला है। नॉर्मली आपको 10W का चार्जर मिलता था ना, लेकिन आपको हो सकता है कि इस टाइम पे जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा ना उसमें आपको इन द बॉक्स ये फास्ट चार्जर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, बैटरी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कंपनी ने किया है। 199 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, मतलब 4500 mAh की बैटरी आपको इतने कम वेट में मिल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे इस फोन पे। यहाँ पे आपको इन्फ्रारेड पोर्ट मिल रहा है, साथ ही दोस्तों आपको कुछ और ऑप्शन भी इस फोन पे मिल रहे हैं जैसे कि FM रेडियो हो गया, USB टाइप सी हो गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, फेस अनलॉक फीचर हो गया। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं और प्राइसिंग बहुत ही कमाल की रखी है यहाँ पे कंपनी ने। तो बस ये सारी है डिटेल्स इस स्मार्टफोन की। आप जरूर नीचे कमेंट में बताना दोस्तों कि कैसे लगे इसके फीचर और बहुत ही जल्दी ये इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है। बताया कि सितंबर एंड तक ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है चाइनीज मार्केट के कंपैरिजन में, मतलब 15,000 रुपीज़ से नीचे आपको मिलेगी जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसका प्राइस होगा दोस्तों। तो देखते हैं कि किस प्राइस में कंपनी लॉन्च करती है और किस डेट को ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है। तो यही सारी है डिटेल्स इस स्मार्टफोन की। आप जरूर नीचे कॉमेंट में बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।